तो बहुत अच्छी है, आई एंजॉयड इट थ्रू आउट. आई थिंक इट्स अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग मूवी. और आयुष्मान जो खुराना है वो हर बार एक जो भी सोशल इशू होता है उसके ऊपर मूवी करते हैं. एक मूवी के बारे में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि द कश्मीर फाइल्स के बारे में एक बार फिर से अनुभव सिन्हा ने एक हमारे देश की सच्चाई दिखाने की कोशिश की, जिस मूवी का नाम है अनेक. आयुष्मान की एक्टिंग की आई थिंक इट्स अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग मूवी. और आयुष्मान जो खुराना है वो हर बार एक जो भी सोशल इशू होता है उसके ऊपर मूवी करते हैं, चाहे वो विकी डोनर हो या शुभ मंगल सावधान हो या शुभ मंगल ज़्यादा सावधान हो. तो ये मूवी में भी उन्होंने एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग इशू के ऊपर काम किया और बहुत ही बेहतरीन काम किया. कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी अच्छी लगी, कोई ऐसा मोमेंट? असी ये मूवी इन्जॉय करने के लिए नहीं है. ये मूवी में आप वो जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनका पेन और ट्रॉमा जिससे वो गुजरे हैं वो दर्शाया गया है, तो वो बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है. और अनुभव सिन्हा की हमने मुल्क मूवी देखी थी, उसमें भी इतना अच्छा उन्होंने सब्जेक्ट डिस्कस किया था, उसके बाद थप्पड़ में भी इतना अच्छा, आर्टिकल 15, तो ऐसे सोशली रेलिवेंट मूवीज़ बनाते हैं. तो मतलब बहुत ये इन्जॉयमेंट के लिए नहीं है मूवी, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बट सोशली रेलिवेंट मूवी है तो इससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं. जो डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में होता है और जो आइसोलेट कर देते हैं, तो वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों का पेन और ट्रामा दिखाया है, हाउ दे सफ़र. और बहुत ही अच्छे से जो गन फाइट्स वगैरह सीन्स हैं बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं. बीच में स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो हो जाता है, बट वो आप इतना भावनाओं में बह जाएंगे कि यू विल इग्नोर ऑल दोस एस्पेक्ट्स. क्लाइमेक्स कैसा लगा मूवी? क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है और मतलब आपको सोचने पर मजबूर करेगा, ऐसी मूवी है. और अनुभव सिन्हा का मुझे हमेशा ही डायरेक्शन बहुत पसंद है, वो इतना मूवी को ग्रिपिंग बना देते हैं. ये एक जियोपॉलिटिकल सोशल एक्शन ड्रामा है, सोशो पॉलिटिकल सोशल ड्रामा है, तो इसमें वही लोग जो टर्मोइल में से गुजरे हैं और कितने बच्चों की डेथ हो जाती है वो जो लड़ाई झगड़ा होता है उसकी वजह से, तो लोगों का पेन दिखाया है जो मिजरी से वो गुजरे हैं. आयुष्मान के अपोजिट एक नई कलाकार है, उनका किरदार बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. एंड्रिया डेवी सूजा, उनका भी बहुत ही अच्छा किरदार है. और केवी सूजा एंड्रिया, मतलब उन्होंने भी एक बॉक्सर का किरदार निभाया और वो भी मतलब अपना पेन उनके चेहरे पे दिखाई देता है. तो वही दिखाया कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने कितना सफ़र किया और कर रहे हैं और हमें उनको मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा. और ये जो आयुष्मान खुराना है एक अंडरकवर गवर्नमेंट एजेंट बने हैं. और इसके साथ साथ मनोज पावा का बहुत अच्छा रोल है, कुमोद मिश्रा को भी हर मूवी में लेते हैं अनुभव सिन्हा, उनका बहुत अच्छा रोल है. सिनेमेटोग्राफी बहुत ही विजुअल डिलाइट है जो वहाँ का दिखाया है ना, तो वो सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है इवान मुलिगन की. और एडिटिंग मुझे लगता है 15-20 मिनट थोड़ी सी क्रॉप कर सकते थे, तो जो इसकी याशा रामचंदानी जो एडिटर है उनको मैं बोलना चाहूँगा, बट अदरवाइज ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है, देखने लायक है. 3.5. थैंक यू सो मच. क्या कुछ कहना चाहोगे अनेक मूवी के बारे में? अनेक मूवी के बारे में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि द कश्मीर फाइल्स के बारे में एक बार फिर से अनुभव सिन्हा ने एक हमारे देश की सच्चाई दिखाने की कोशिश की, जिस मूवी का नाम है अनेक. आयुष्मान खुराना एंड मॉडल एंड्रिया मैम, दोनों की काम बहुत बेहतरीन है. मतलब कि अनुभव सिन्हा, आप उनकी स्क्रिप्ट देख लो, मतलब एक अलग ही मुद्दे पर ही कहानी बनाते हैं, वो मूवी बनाते हैं. जैसे कि थप्पड़, उसके बाद फिर उनका आर्टिकल 15, ये भी उस टाइप की मूवी है. एक असलियत है नॉर्थ ईस्ट की कहानी दिखाने की कोशिश है. इसमें जितने भी कैरेक्टर, 2-3 कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि आपको लगेगा कि जाने पहचाने, लेकिन बाकी कैरेक्टर उन्होंने न्यू चेहरा लिया और सभी ने बहुत अच्छे से काम किया. मुझे जिस तरह का कॉन्सेप्ट है नॉर्थ साउथ का, वो कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? बहुत बेहतरीन है. मतलब कि हम लोगों को सिर्फ सुनते थे ये सब कहानी, मूवी के जरिए हम लोगों को देखने को मिला जिस तरीके से वो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं. उसमें ये दिखाया कि वहाँ के लोग जो हैं, जो छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से बहकावे में आ जाते हैं, उन लोगों को भेजा जाता है अब जाओ दिल्ली और मुंबई काम करो, तो वो लोग बोलते नहीं हम यहीं के हैं, यहीं पर खाएँगे, यहीं पर कमाएँगे, यहीं पर मर जाएंगे, हमको इंडिया से मतलब नहीं है. आयुष्मान के सामने एक नई कलाकार है, उनके बारे में क्या कहते हैं? एंड्रिया मैम, उनका काम बहुत काफ़ी फर्स्ट मूवी है, डेब्यू कर रही हैं, बहुत अच्छा काम है उनका, पूरी स्क्रीन पे उन्होंने बहुत अच्छा. क्लाइमेक्स किस तरह का लगा? क्लाइमेक्स लास्ट का सीन भी है, बहुत अच्छा है, जिस कैसे तरीके से वो आतंकवाद को मारते हैं वो लोग, बहुत अच्छे तरीके से शूट किया. 5/3 स्टार. थैंक यू. किस तरह की मूवी लगी आपको? मूवी तो बहुत अच्छी है, आई एंजॉयड इट थ्रू आउट. Like it's not boring at all. Even if it's 2.5 hours, you never get bored or sleepy, whatever. It's gripping. It's throughout and beech beech mein entertaining bhi hai, matlab fun wise hai. So I think it's a good one. And what do you want to say about the director and director? I mean, he's Anubhav Sinha. He's best at what he does. So like his previous films has been, this one too is a very good one. Ayushman, as always, like
he'll play the North Indian guy for 4 films and then he'll come out with 1 film like this and he'll like, you know, break the barrier. And again, he's done it here, like he's done in Andhadhun or say Article 15 or any such film. Here too, he's the different guy, he's done well. आयुष्मान के सामने एक नई कलाकार है एंड्रिया उनका उनका किरदार कैसा लगा आपको? उनका कैरेक्टर को इतना कुछ करने को है नहीं. शी इज प्लेइंग अ बॉक्सर बट शी इज डन वेल. शी इज फील्स नेचुरल एंड नॉट फोर्स्ड. की नॉट इसको नकली दिखाना, नकली एक्सेंट या कुछ नहीं. शी फील्स नेचुरल एंड शी इज डन वेल फॉर अ डेब्यू फिल्म.